आने वाले दिनों में संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, फिर भी अगस्त महीने पूरे लगेंगे। तो इस तरह से यह स्पष्ट होते दिख रहा है कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर ही शिक्षकों को खुशखबरी मिलने की आशा है, यानी शिक्षक दिवस पर तमाम शिक्षक राजकर्मी घोषित किए जा सकते हैं। आखिर उसके बाद तमाम शिक्षकों के सपने कैसे साकार हो जाएंगे? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वर्षों से शिक्षकों की मांग रही थी कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। राजकर्मी बन जाएंगे, उनके NPS की शुरुआत हो जाएगी और ढेर सारे अन्य सुविधाएं भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके क्रम में आइए जानते हैं कि आखिर शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कौन सारी सुविधाएं मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों कि शिक्षक अस्थाई बन जाएंगे, यानी वो राजकर्मी बन जाएंगे, जिला संवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि शिक्षकों और सरकार के ऊपर जो आम जनता का सवाल उठ रहा था कि योग्यता विहीन शिक्षकों की बहाली कर ली गई है, ये सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। अन्य लाभों के अंतर्गत बिहार की जनता के मन में ये बातें बैठ गई है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लाखों शिक्षकों की बहाली कर ली गई है। साथियों यह अंतिम रूप से वेरिफिकेशन हो रहा है और इस वेरिफिकेशन के बाद किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाई जाएगी, यानी वो सवाल भी समाप्त हो जाएंगे कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र ही फर्जी थे, क्योंकि बड़े ही घनता पूर्वक जांच की जा रही है। और इस सत्यापन के बाद आशा ये जताई जा रही है कि भविष्य में प्रमाण पत्रों की जांच कभी नहीं होगी, विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षकों की, और वो उसी कैडर में समाहित हो जाएंगे जो कैडर आज नियमित शिक्षकों की है। किसी भी बिंदु पर ऐसे शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच नहीं आती है, भले ही जिस प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनके प्रमाण पत्रों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उसी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर नियमित शिक्षक कार्यरत हैं तो उनके ऊपर कोई भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का एक संवर्ग बनाया जाएगा और उनके ऊपर उठने वाले सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। साथियों एक बड़ा लाभ ये भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग द्वारा तमाम विशिष्ट शिक्षकों की नई सेवा प्रदान की गई है, यानी उनकी नियुक्ति नई मानी गई है। अगर नई नियुक्ति मानी गई है तो इस आधार पर तमाम शिक्षकों के पूर्व के प्रमाण पत्र यानी विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले सेवा अवधि में भी अगर उनके द्वारा कोई प्रमाण पत्र हासिल किया गया होगा तो निश्चित रूप से वो तमाम प्रमाण पत्र मान्य होंगे, क्योंकि उनकी पूर्व की सेवा की काउंट ही नहीं हो रही है, तो हर हाल में उनके प्रमाण पत्र मान्य हो जाएंगे और शिक्षकों के प्रमाण पत्र के संबंध में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद योगदान की तिथि को ही उनकी नियुक्ति तिथि मानी जा रही है और इसके आधार पर उनके पूर्व के सारे प्रमाण पत्र मान्य होंगे। और साथ ही साथ पूर्व की सेवा में जिस प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी उनका सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिन प्रमाण पत्रों के ही उपयोग किए गए थे उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना है, यानी ज्यादा झंझट नहीं। अगर मैट्रिक और इंटर का ही प्रमाण पत्र लगाकर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उनकी पूर्व की योग्यता स्नातक या फिर स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं लाभों के बारे में कहा जाए, अगर नई सेवा ही गिनती की जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा एक बार फिर से नई नियमावली के तहत चिकित्सा अवकाश का उपभोग किया जाएगा, अर्जित अवकाश का उपभोग किया जाएगा, मातृत्व अवकाश का उपभोग किया जाएगा, इत्यादि अवकाशों का उपभोग किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उनकी पूर्व की सेवा की गिनती ही नहीं की है। अगर शिक्षकों द्वारा पूर्व में ढेर सारे चिकित्सा अवकाश का उपभोग कर लिया गया है या फिर अर्जित अवकाश का उपभोग कर लिया गया है तो उसकी कोई गिनती नहीं रह जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग पूर्व की सेवा को नई सेवा में काउंट नहीं कर रही है, नहीं जोड़ रही है। निश्चित रूप से नई सेवा के लिए नए सेवा पुस्तिका खोले जाएंगे और इस सेवा पुस्तिका में नए सिरे से तमाम छुट्टियों एवं बिंदुओं का संधारण किया जाएगा। साथियों वही अगर सेवा की गिनती की जाती है उनकी छुट्टियों को काउंट किया जाता है तो हर हाल में शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना सरकार की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि उनकी सेवा पुस्तिका में पूर्व के तथ्यों का संधारण होते ही उनकी सेवा निरंतर हो जाएगी। लेकिन इसी क्रम में अगर नुकसान की बातें कही जाए तो ये तो स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग द्वारा पैसे बचाने के उद्देश्य को लेकर ही विशिष्ट शिक्षक पद का निर्माण किया गया था ताकि शिक्षकों के मद में ज्यादा खर्च नहीं हो सके। इसके लिए शिक्षकों के भले ही 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष की सेवा बेकार जा रही है, लेकिन इसके क्रम में उनके पूर्व के उपभोग किए गए छुट्टियों का भी लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बड़ी बात की पुरोन्नति का दावा उनका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी ओर से दावे नहीं किए जाएंगे, स्थिति बनने पर ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को पुरोन्नति दी जा सकती है। इसके क्रम में 8 वर्षों की सेवा होनी चाहिए, यानी जिस दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा उस तिथि से 8
60 वर्ष के बाद ही प्रोन्नति प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो स्नातक के रूप में या वरीय स्नातक शिक्षक के रूप में या फिर अन्य प्रोन्नति के लाभ में। वही दोस्तों, शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक का पद सीमित परीक्षा के आधार पर ही भरे जाएंगे। प्रोन्नति के आधार पर विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी नहीं बन सकता।